friends, welcome back to update yourself. Now here I am Madhu and in this video we will discuss about FD. So आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारी बातें FD से related. So let's start. So यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें आपको FD से related बताने वाली हूँ, जैसे FD क्या होता है, कितना interest मिलता है, कैसे इसमें deposit करते हैं, क्या इसके benefit और क्या इसके disadvantage. So चलिए start करते हैं इस वीडियो को. So first of all I would like to tell you that what is FD. FD means fixed deposit. जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आता है कि fixed deposit means एक fixed amount को एक fixed time के लिए जब आप invest करते हो तो इसे fixed deposit कहा जाता है या FD कहा जाता है. कोई भी FD या कोई भी fixed deposit आप किसी भी financial institute जैसे bank, non-banking financial company या फिर post office में करवा सकते हैं. एंड यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ फिक्स डिपॉजिट कैसे होता है. जैसे कि मान लीजिए कि आपको 10,000 का एफडी करानी है तो 10,000 रुपीज आपको पूरा लमसम अमाउंट एक साथ देना होगा और ये प्री डिफाइंड रहता है कि आप कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, 3 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए. तो उस टाइम के पहले आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते. तो यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में डिपॉजिट कराना, इन्वेस्ट कराना फिक्स डिपॉजिट कहलाता है. तो चलिए यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट की और दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि अभी जैसे कि हम कोई फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं तो वो मिनिमम कितने टाइम के लिए करा सकते हैं एंड मैक्सिमम कितने टाइम के लिए करा सकते हैं. तो जब भी आप कोई फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आप मिनिमम 7 डेज के लिए एंड मैक्सिमम 10 इयर्स के लिए कोई भी फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं. एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि आप इसमें कितना मिनिमम अमाउंट एंड कितना मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो जब भी आप कोई फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आप मिनिमम 1,000 रुपीज़ या अलग अलग बैंक, पोस्ट ऑफिस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के हिसाब से वेरी होता रहता है. मीन्स कहीं पर 1,000 होता है, कहीं पर 500 होता है. तो ये डिपेंड करता है मिनिमम अमाउंट आप जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में एफडी करा रहे हैं उसके ऊपर. एंड यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी अमाउंट अपने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इंटरेस्ट. तो जब हम कोई फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है. तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जब कोई आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपके सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है. सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है. एंड फोर्थ थिंग इज़ दैट कि जब आपको इंटरेस्ट आपको आपके एफडी पे मिलता है तो अगर वो इंटरेस्ट आपका 10,000 तक का है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं लगता है. मीन्स आपको 10,000 तक का इंटरेस्ट टीडीएस फ्री मिलता है. ओके. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है आपके एफडी पर वो और आपका जो फिक्स अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है वो दोनों टोटल आपको आपके मैच्योरिटी पर आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है. ओके. अब यहाँ पर नेक्स्ट थिंग इज़ दैट सिक्योरिटी, कि हमारा इसमें जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो कितना सिक्योर रहता है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप जब कोई म्यूचुअल फंड या फिर कोई शेयर्स या आप स्टॉक मार्केट में अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे बहुत रिस्की अमाउंट रहता है, बट यहाँ पर आपको कोई रिस्क नहीं मिलता. ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहता है क्योंकि यहाँ पर ये अमाउंट आपका मार्केट वैल्यू पर वेरी नहीं करता है. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट लोन फैसिलिटी, मीन्स आप जब भी कोई अपना फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको उसके बदले में लोन या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है. मीन्स आप अपने फिक्स डिपॉजिट के एवेज में अगर कभी भी चाहें तो उसके बदले में आप लोन या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं. एंड नेक्स्ट थिंग इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एडवांटेज ये है कि यहाँ पर कोई भी आपका जो अमाउंट होता है वो मार्केट वैल्यू पे वेरी नहीं करता है, मींस बहुत ही सिक्योर रहता है. बट इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब मार्केट वैल्यू पे वेरी नहीं करता है तो जब आप म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई मिलते हैं बट अनसिक्योर रहते हैं. बट यहाँ पर सिक्योरिटी आपको ज़्यादा मिलती है, थोड़े रिटर्न्स आपको स्टॉक मार्केट के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम मिलता है. ओके. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप जब भी कोई अपनी एफडी कराते हैं तो आपको उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट अगर आपने अपनी एफडी को प्री मैच्योर ब्रेक कर लिया, मीन्स मान लीजिए आपने कोई एफडी अपनी 4 इयर्स तक के लिए कराई है या 5 इयर्स तक के लिए कराई है और आपको अगर पहले उसकी ज़रूरत पड़ती है तो या तो आप उस पर लोन ले सकते हैं या फिर एफडी ब्रेक कर सकते हैं. अगर आप एफडी ब्रेक करते हैं तो आपको उस पर पेनल्टी देनी पड़ती है और इंटरेस्ट भी आपको कम मिलता है. तो ये थे उसके डिसएडवांटेज. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट हाउ टू
यू ओपन एन एफडी मींस फिक्स डिपॉजिट को कैसे ओपन किया जाता है। सो फिक्स डिपॉजिट को आप दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। अगर आपको ऑनलाइन अपना कोई फिक्स डिपॉजिट कराना है तो इसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। एक्चुअली मैं सारी बैंक्स का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में एफडी ओपन करा के वीडियो नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग लेके वहाँ पर एक ऑनलाइन एफडी ओपन किए, तो वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन एफडी ओपन कर सकते हैं, और उसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। एंड सेकेंड है ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन एफडी ओपन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक ब्रांच विजिट करना होगा, वहाँ पर जाके आपको एफडी फॉर्म फिलअप करना होगा और आपकी एफडी ओपन हो जाएगी। बट वन मोर थिंग इज दैट कि जब आप एफडी ओपन करते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं टू ओपन एन एफडी। सो अगर आप अपनी एफडी ओपन कर रहे हैं, ऑनलाइन एफडी ओपन कर रहे हैं, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, क्योंकि आपने जब अपना बैंक अकाउंट ओपन कराया होता है तो ऑलरेडी आप सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर चुके होते हैं। बट इन केस आप जैसे ऑफलाइन एफडी कराते हैं और आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नीडेड चाहिए होते हैं, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे। तो यहाँ पर आपको टू टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, एक होता है आइडेंटिटी प्रूफ और सेकेंड होता है एड्रेस प्रूफ। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप एफडी तभी ओपन करा सकते हैं जब आप कोई इंडियन रेजिडेंट्स हैं, मींस आप इंडियन रेजिडेंट्स होंगे तभी आप अपनी कोई फिक्स डिपॉजिट ओपन करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि फिक्स डिपॉजिट ओपन कराने के लिए जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चल सकते हैं। सो यहाँ पर एज ए आइडेंटिटी प्रूफ में आप या तो पासपोर्ट हो आपके पास में, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी कार्ड हो, फोटो राशन कार्ड हो, सीनियर सिटीजन आईडी कार्ड हो, मीन्स इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपका एज ए आइडेंटिटी प्रूफ वर्क करता है। एंड नेक्स्ट एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के रूप में आपके पास पासपोर्ट हो, टेलीफोन बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, बैंक स्टेटमेंट हो विद चेक या सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड इशूड बाय पोस्ट ऑफिस एंड एनी ऑफ द अबोव, आपको इनमें से कोई सा भी एक जो भी आपको आपके पास अवेलेबल हो या आपको सही लगता है वो आप एच एड्रेस प्रूफ एफडी ओपन कराने के लिए यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एफडी एंड फिक्स डिपॉजिट एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।